अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानाज किचन। आज हम बनाएंगे सहरी स्पेशल भेजा, एक लाल मसाले में और एक ग्रीन मसाले में। ये देखिए, मैंने एक भेजा लिया है, इसको मैंने पानी में आधे घंटे से भिगने को रखा था। अभी हम इसकी जो ये है ना, इसको किस तरह साफ करने का पहले मैं आपको ये बताऊंगी। निकाल निकाल कर हम इसको पानी में डाल देंगे। पानी में आधा घंटा रखने से ये जल्दी जल्दी निकलता है। देखिए, इसको हरे मसाले में भी बनाते हैं और लाल मसाले में भी। मैं आपको दोनों तरीके से बनाना बताऊंगी। हमने इसकी पूरी जल ली, जो लाल लाल जो परत थी ना, हमने सब निकाल ली है। अभी हम इसको अच्छा धो के लेंगे। देखिए, भेजा हमने अच्छी तरह धो के ले लिया है भेजे को, और एक तरफ मैंने गैस पे पानी भी गर्म को रख दिया है भेजा उबालने के लिए। हम इसको अच्छा आधा घंटे तक अच्छी तरह उबाल के ले लेंगे। एक छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा घंटे तक हम इसको अच्छी तरह उबाल कर लेंगे। भेजे को मैंने आधे घंटे तक उबाल कर अच्छी तरह ले लिया था, और इसका सब पानी मैंने फेंक दिया है। भेजा बनाने के लिए चार प्याज लिए मीडियम साइज़ के, हरा धनिया, छः सात मैंने हरी मिर्ची ली थी, और कुछ लहसुन की कलियाँ, उसको मैंने इस तरह मिक्सर में बारीक पीस कर ले लिया है। गैस पे हमने कढ़ाई गरम को रख दी है। पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम अच्छी तरह लाल करके लेंगे। तीन छोटे चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। प्याज लाल होने तक हम एक तरफ भेजे को काट कर लेंगे। प्याज लाल होने तक हम भेजे को कट करके लेंगे। ये देखिए, हमको इस तरह से इसके टुकड़े करना है छुरी से। आपको जो साइज़ के टुकड़े रखना है आप वो साइज़ के रख सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, आप बड़े साइज़ की भी रख सकते हैं। इस तरह से हमको काटना है। प्याज हमारी अच्छी तरह लाल हो गई है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची और जो लहसुन हमने जो पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अभी मैं ग्रीन वाले मसाले वाला बनाना बता रही हूँ, और आधा भेजा हम ग्रीन मसाले में लाल मसाले वाला बनाएंगे। भेजा उबालने में भी हमने नमक डाला था, अभी हम उसके अंदर और थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा हम बचा के रखेंगे लाल वाले मसाले वाले भेजे के अंदर। हम धनिया इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी हमने इसके अंदर हल्दी भी डाल दी है। अब हम इसके अंदर भेजा भी डालेंगे। तो 5 मिनट तक हम इसको अच्छा तड़तड़ होने देंगे, फिर गैस बंद करेंगे। हरे मसाले वाला हमारा भेजा अच्छी तरह बन के तैयार है। अब हम इसको साइड को निकाल लेंगे और लाल मसाले वाला भेजा बना कर लेंगे। इसके लिए भी मैंने एक प्याज लिए, कि मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ आपको लाल मसाले का। एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। प्याज को हम अच्छी तरह पहले लाल होने देंगे। इसमें भी हम
दो चम्मच तेल डाल देंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह लाल हो गई। अब हम इसमें परवीन मसाला डालेंगे। ये मैंने परवीन मसाला लिया है। परवीन मसाले में भी नमक होता है, इसके लिए मैं भेजे में नमक कम डाल रही हूँ। उबालने में भी हमने नमक डाला था और हल्दी थोड़ी सी। इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम इसमें उबला हुआ भेजा भी डाल देंगे। पाँच मिनट तक हम इसको अच्छा तड़तड़ होने देंगे, गैस बंद करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सहेली में बनाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गर्मी का मौसम है, ठंडा हिम्मत देने वाला है, लेकिन मुझे तो हमारे पूरे ही आएंगे इंशाल्लाह। चलो अब हम गैस बंद कर देंगे और आपको मैं एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ, ग्रीन वाला भी और लाल मसाले वाला भी। ग्रीन मसाले वाला भी और लाल मसाले वाला भी भेजा हमारा बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।